हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दोहा एरोमा। आज मैं आपके साथ स्पेनिश ऑमलेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब मैंने इसे पहली बार ट्राई किया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म होने दें और गैस का फ्लेम स्लो रखें। अब दूसरी तरफ मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए, जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। आप चाहे तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा मिक्स करते हुए मैं गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखूँगी और 2 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की अनियन लिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया, उसको डाल देंगे। और 2 ग्रीन चिली लिया, जिसको मैंने चॉप किया, उसको भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर कम से कम 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब आलू और प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, 1/30 स्पून चिली फ्लेक्स जाएगा और 1/30 स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर दें। आप प्याज और आलू के साथ साथ कैबेज, कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो। इसको मिक्स करें कम से कम 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मैं सारी सब्जियों को इसमें डाल दूँगी और उसको भी मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं 1 टीस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म होने दें और हाफ़ बैटर उसमें डाल दें। हाफ़ बैटर मैं बाद में डालूँगी क्योंकि मैं इसमें चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा चीज़ ऊपर डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो ना डालें। अगर आप चीज़ नहीं डालते हैं तो सारे बैटर को एक साथ डाल दें। अब मैं चीज़ के ऊपर से जो बचे हुए बैटर है उसको डाल दूँगी। उसको अच्छे से सेट कर दें और ढककर धीमी आंच पर कम से कम 1 मिनट के लिए पकने दें। 1 मिनट हो चुका है, एक साइड पक चुका है, मैं इसको फ्लिप करूँगी। उसके लिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और एक प्लेट रख के इसको पलट दूँगी। ये देखिए, अब इसको भी 30 सेकंड के लिए पका लें, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए, और फिर दोबारा पलट दें। ये देखिए, स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे पता है कि आपको ये ऑमलेट बहुत पसंद आएगा। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, इसका पीस कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद हो आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।